हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुंदर एक ही फ्लावर खिला है आज। इस सुंदर फ्लावर के साथ मेरी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। और देखिए आज कितना फ्लावर्स खिला है। आज हाइबिस्कस एक ही खिला है, कल खिलेगा चार, शायद चार खिलेगा। तो आपको बर्ड्स दिख रहा होगा, देखिए उस तरफ भी है, शायद चार ही खिलेगा कल। तो फ्रेंड्स, कल की परसों की फ्लावर निकल के तोड़ के फेंकना मत भूलिएगा। जैसे कि मैं कभी भी ऐसे तोड़ के इसी में पॉट में फेंक देती हूँ, नहीं तो कोई भी एक डस्टबिन जैसा एक पॉट कर दीजिए पुराना, उसमें डाल दीजिए, तो इसी को काट मिलते रहेगा। नहीं तो आपको कलेक्ट करना नहीं चाहिए तो इसी में डाल दीजिए। कोई भी पुराना ऐसे पत्ता हो मत फेंकिए, इसी में काट बन जाएगा। सीड्स देखिए कितना बना है बालसम की, रेड कलर की। अभी मैंने ढेर सारा बालसम की सीड्स कलेक्ट किया है। जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स है उसको मैं ज़रूर भेज दूंगी सीड्स। कमेंट कर दीजिएगा और अपना एड्रेस भी लिख दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए ढेर सारा मैंने बालसम की, चार कलर मेरे पास अवेलेबल है तो कलेक्ट किया है। इस तरह इसकी सीड्स बनती है। इसमें देखिए इसका सीड्स अभी सूखा नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सूखने के बाद जो जो वाइट कलर दिख रहे वो ब्राउन में हो जाता है। अभी सूखा नहीं था तो मैं इसे ही आपको दिखा दिए। और ये है मॉर्निंग ग्लोरी का, ये वाला मॉर्निंग ग्लोरी का ये सीड्स, ये सूख के रेडी हुआ है। ढेर सारा मैंने इसका भी कलेक्ट कर दिया है। देखिए सीड्स आपको दिख रहा होगा, ये वाला मॉर्निंग ग्लोरी का सीड्स है। ऐसे ही निकाला जाता है इसका सीड्स, देखिए ऐसा तोड़ के निकाला जाता है। मेरे पास दो कलर की मॉर्निंग ग्लोरी है, एक ब्लू कलर में है और एक ये वाला पिंक में है। मैं अभी दोनों मिक्स कलर में नया पॉट में नया प्लांट्स रेडी हुआ है, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। कल की वीडियो में मैंने इसका छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो करके डाल दिया थी। देखिए पिंक भी है इसमें। अभी 10 बज रहे हैं तो धूप के वास्ते थोड़ी सी मुरझा जा रहा है फ्लावर्स। सुबह सुबह 6 बजे आना चाहिए छत पर, बढ़िया लगता है, बहुत सुंदर लगता है। इसका सीड्स ये है फ्रेंड्स, इसका भी बन जाएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए बालसम की मैंने कटिंग से लगाया था, इसका भी सीड्स बन रहे हैं नीचे। और ये है जीनिया, ये देखिए कितनी अच्छी चल रही है मेरे कुलेस कटिंग। इसको नया पॉट अभी नहीं ला पाई मैं, इसको भी लगाना है बाकी मुझे। इधर देखिए, इधर भी पूरा पुराना से पुराना प्लांट था ये, रोज़ का 3 साल पुराना है मेरे पास। इसमें मैं चाय पत्ती इसमें देने स्टार्ट जब से करी हूँ तब से इसमें फ्लावर्स खिलता जा रहा है। और ये है मेरी धनिया पत्ता और मेंथी, सब अच्छी से अच्छी चल रही है। ये रहा मेरा वेजिटेबल, अभी ढेर सारा फूल हुआ है तुराई में, बेबी तुराई में दिखाऊंगी आपको। इधर देखिए तो इसमें बीन्स भी है, दो प्लांट्स है, और बैगन भी बन रहा है इसमें, फूल भी ढेर सारा बना है। तो ये देखिए फ्लावर्स कितनी सुंदर लग रही है। कुलेस कटिंग देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है, छोटी छोटी बेम्बू स्टिक की छोटी सी टोकरी में मैंने लगाई थी, तो आपको दिखाऊंगी नीचे से। हाँ तो देखिए दो कलर में मैं इसको लगाई थी, कितनी अच्छी लग रही है। और इसमें मिक्स एंड मैच करके लगाई थी, ये भी बेम्बू वाला 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ।
तो कुछ नहीं हुआ इसको। कितनी अच्छी लग रही है। और ये पॉट में है, स्क्वायर वाला पॉट में। ये जीनिया देखिए कितने फ्लावर्स खिला है एक ही पॉट में। सीमेंट का जो पॉट है इसी में मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी मारीगोल्ड की, तो इसी में चल रहा है। अभी ये कलौंची पॉट में ही है। मैं नर्सरी से जैसे लाई हूँ ऐसे ही रखा हुआ है। इससे थोड़ी सी कटिंग लेके मैंने लगाया है दूसरी जगह, वो भी अच्छी लगा हुआ है। तो इधर भी जीनिया का मैंने सीड से प्लांट्स रेडी किया था। अच्छी से अच्छी इधर से ही कटिंग लेके मैंने इधर लगाया था, तो कितना अच्छा चल रहा है। और स्पाइडर प्लांट का देखिए कितना प्लांट्स रेडी हुआ है फ्रेंड्स। इसका फ्लावर देखिए कितना सुंदर है, छोटी छोटी वाइट कलर में येलो कलर की बीच से ऐसा आया है इसमें। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है फ्लावर्स। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट, इंडोर भी है ये। और मारीगोल्ड देखिए कितना झुक रहा है, इसमें फ्लावर खिला हुआ है। रेन लिली भी खिला हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स ये हर सिंगर का फ्लावर, रोज 20-30 फ्लावर्स खिल रहा है इसमें। तो सुबह होते ही इसमें से फ्लावर नीचे गिर जाता है। पूजा के लिए हम रोज निकाल ले रहे हैं इसको। देखिए नीचे गिर गया है इतना फ्लावर्स। तो देखिए फ्रेंड्स इतना इतनी सी छोटी प्लांट है इसमें, तो इतना फ्लावर्स आया है आज। रोज इतना फ्लावर्स मिलता है हमको पूजा के लिए। तो दूर से ऐसा दिखता है ये प्लांट्स। तो ये साइड स्टैंड बनवाया है, ये टावर मैंने बनवाया है फ्रेंड्स। अभी इसको पेंट करना है मुझे। करने के बाद इसमें सीड्स से मैं कुछ प्लानिंग किया है, इसमें प्लांट्स लगाने की नए टाइप का टावर बनाना है मुझे। मैं जल्दी ही आपको इस टावर को एक पॉट में शिफ्ट करके, पेंट करने के बाद शिफ्ट करके इसमें कोको पीट भर के, थोड़ी सी खाद और कोको पीट सॉइल मिक्स करके भर के, उसका भी शायद हो पाए तो एक वीडियो भी शेयर करूँगी आपके साथ। इसमें ढेर सारा मुझे कलर्स का प्लांट लगाना है। वो कौन से प्लांट इसमें मैं सिलेक्ट किया है वो प्लांट आपको जरूर दिखाऊंगी अभी। ये वाला मिक्स कलर का प्लांट सिलेक्ट किया है मैंने। इसका प्लांट्स देखिए, इसका प्लांट्स कितना रेडी हुआ है। तो ये वाला बड़ा है, ये वाला ले लूँगी मैं। और उस जगह भी थोड़ी सी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इधर सब ये प्लांट है, ये पूरा प्लांट उसी में टावर में लगाना प्लानिंग किया है मुझे मैं। तो लगाने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।